इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीज़न में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग की हालत काफ़ी ख़राब है। दरअसल ये टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई टीम ने आईपीएल के मौजूदा सीज़न में शुरुआत से ही चौंकाने वाले फैसले लिए और यही उसके लिए परेशानी का कारण भी बना। पहले चेन्नई ने टूर्नामेंट में ठीक दो दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया। ये स्टार ऑलराउंडर दबाव नहीं झेल पाया और चेन्नई टीम ने शुरुआती 8 मैच से सिर्फ 2 मैच जीते। ऐसे में जडेजा से कप्तानी लेकर फिर धोनी को सौंप दी गई। ऐसे में धोनी जब तक कमान संभालते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में अब दिग्गजों और फैंस के बीच फिर एक बहस शुरू हो गई है कि चेन्नई टीम में धोनी का उत्तराधिकारी यानी अगला कप्तान कौन होगा। धोनी इस बार 7 जुलाई को 41 साल के हो जाएंगे, वो अगला सीजन खेलेंगे या नहीं इस पर भी भरोसा नहीं है। इसी बहस के बीच पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने चेन्नई टीम के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई टीम का अगला कप्तान बताया है, साथ ही ऋतुराज की धोनी से भी तुलना कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी। इस सीजन में चेन्नई के लिए अब तक सबसे ज्यादा ऋतुराज ने 313 रन बनाए हैं। ऋतुराज को लेकर सहवाग ने एक बातचीत के दौरान कहा, वो महाराष्ट्र टीम की कप्तानी करता है, शांत स्वभाव से खेलता है। यदि वो शतक लगाते हैं तो भी शांत रहते हैं और जीरो पर आउट होते हैं तब भी उनके हाव भाव एक जैसे ही रहते हैं। उनके चेहरे को देखकर लगता नहीं कि शतक बनाने के बाद वो बहुत खुश हैं या जीरो पर आउट होने के बाद बहुत दुखी हैं। उनके पास कंट्रोल और शांत स्वभाव है, एक जो कप्तान होने के अच्छे लक्षण होते हैं वो सारे उनमें हैं। वहीं आपको बता दें, सहवाग ने आगे कहा, जो फर्स्ट क्लास मैच में टीम की कप्तानी कर रहे हैं उन्हें ये आइडिया होता है कि मैच को कैसे चलाना है, कब किसको गेंदबाजी पर लाना है और कब किसको बल्लेबाजी करानी है, ये सब वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो बेहतर कप्तान हो सकते हैं। एक सीजन तो किसी का भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन यदि वो 3-4 सीजन खेलते हैं तो वो एक ऐसे कप्तान हो सकते हैं जो धोनी की जगह लंबे समय तक कप्तानी कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, सभी लोग धोनी को अच्छा कप्तान क्यों मानते हैं, क्योंकि वो कूल हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, गेंदबाजों और बल्लेबाजों का सही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो अच्छे कप्तान है और लक फैक्टर भी उनके साथ आता है। लक उन्हीं के साथ होता है जो निडर होते हैं और निडरता के साथ फैसले लेते हैं। हमने उन्हें कड़े फैसले लेते देखा है। मुझे लगता है ऋतुराज में भी ये सभी खूबियां हैं। हक के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी सभी खूबियां वही हैं जो धोनी में हैं। खैर दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग का अगला कप्तान आप किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।